अब तक हम देखते हैं कि नासुमी रिम को पूरे इंसान से बचा देता है और हीरो बन जाता है। अब उसने इतना भला काम किया था तो इसका इनाम भी उसे मिलना चाहिए, इसलिए वो अपनी फरमाइशें रखना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जब पायलट टी हुआ उन दोनों की फोटो साथ में देखता है तो खुश हो जाता है। उसका साथी पूछता है क्या वो लड़की भरोसे के लायक है। तेहुआ बोलता है पता नहीं, बस मुझे लगता है कि मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ। इधर पायलट उसकी तारीफों के पुल बांध रहा होता है तो उधर नासू में उसे जितने ताने दे सकता है उतने देता है। वो उसे स्नैक्स खरीदने को बोलता है और बोलता है कोई इतना एहसान फरामोश कैसे हो सकता है। रिम बोलती है उस पे पैसे नहीं है, आखिर वो है तो एक पार्ट टाइम जॉबर ही। नासू में कहता है तुम कितनी अगली और हार्टलेस ह्यूमन हो, अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसी हो तो मैं तुम्हें बचाता ही नहीं। रिम बोलती है ठीक है, सुबह होते ही मैं तुम्हें स्नैक्स लाकर दे दूंगी। अगली सुबह जब वो स्नैक्स खरीदने के लिए जाती है तो वो बहुत महंगा होता है। तभी वहाँ एक लड़का भी अपनी कैट के लिए स्नैक्स खरीदने के लिए आई होता है। टीम बोलती है सारे हैंडसम बंदों को तो कैट्स ने ही हथियार रखा है, अगले जन्म में मैं भी एक बिल्ली बनना चाहूंगी। घर में रिम की बहन सुलिन नासुमे को प्यार से सहला रही होती है। नासुमे बोलता है ये तो टोटली मेरी टाइप की है, बस बस यहीं पे मसाज करो। तभी रिम भी वहाँ आ जाती है और उसे देखकर सोचती है कितने मजे वाली लाइफ है। नासुमे बोलता है देखो और सीखो, सुलिन मेरी कैसी सेवा कर रही है। रिम उसे कैन खोलकर देती है और वो बोलता है दो तीन और नहीं खरीद के ला सकती थी। रिम सुलिन को लेकर अंदर जाती है और बोलती है याद है जब बचपन में तुमने चोरी की थी और इल्जाम मैंने लिया था। सुलिन कहती है हाँ फिर तो मैं पकड़ी भी तो गई थी ना। रिम बोलती है पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि तुम मेरे पे भरोसा करोगी ना। सुलिन कहती है तुम्हारी स्कैट के मालिक के साथ सेटिंग करवानी है क्या। रिम कहती है नहीं नहीं ये बिल्ली बात कर सकती है। सुलिन उसका माथा चेक करती है और बोलती है तुम्हें बुखार तो नहीं है। रिम उसे अपने साथ लेकर जाती है और एक नंबर सोचने को बोलती है। फिर वो नासुमे से पूछती है इसने क्या सोचा, वो बोलता है थ्री। रिम भी थ्री बोलती है लेकिन सुलिन कहती है मैंने तो वन सोचा था। रिम कहती है चीटिंग तो मत करो यार। नासुमे बोलता है लगता है वन ही था, मेरा ध्यान कहीं और था। रिम इस बार उसे एक वर्ड सोचने को बोलती है। नासुमे कभी राइस प्लेट बोलता है तो कभी डॉग फूड बाउल। रिम को पता था अब वो बदतमीजी कर रहा है तो नासुमे बोलता है ये केवल हमारे बीच का सीक्रेट है। रिम उस पर चिल्लाने लगती है तो सुलिन बोलती है हाँ हाँ मैंने डॉग फूड बाउल ही सोचा था। रिम बोलती है पर मेरी बात पर विश्वास करो, ये बिल्ली बोल सकती है। सुलिन उसे ले जाने लगती है और रिम बोलती है एक बिल्ला मुझे बेवकूफ कैसे बना सकता है, देख लूंगी। आगे तय हुआ कोरिया वापस आ जाता है और उसका साथी उससे आज रात के लिए डिनर पर आने के लिए बोलता है क्योंकि वो एक लड़की को उसे इंट्रोड्यूस करवाने वाला था। लेकिन तय हुआ बोलता है कि आज शाम का उसका पहले से ही प्लान है। कन्वीनियंस स्टोर में एक लड़का रिम से पूछता है कि आज शाम को फ्री है। रिम खुश हो जाती है कि फाइनली किसी ने 2 साल बाद उससे ये पूछा है और वो हाँ करने वाली होती है कि उसी समय तेहुआ अंदर आ जाता है। वो उसे मना करके भगा देती है। तेहुआ उसे पूछता है कि नासुमे ने उसे तंग तो नहीं किया। वो बोलती है ना बिल्कुल भी नहीं, दरअसल मेरे को बुखार आ गया था तो मैं हॉस्पिटल में भी गई थी। मुझे इस बात का डर था कि नासुमे को भी ये ना फैल जाए, इसलिए मैंने उसे पेट हॉस्पिटल में रखने का सोचा था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेहुआ उसे ड्रिंक ऑफर करता है लेकिन वो बोलती है अभी मैं वर्किंग आवर्स में हूँ। तेहुआ बोलता है तुम तो बहुत सिंसियर हो। रिम बोलती है हाँ काम के लिए मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, इतने कि लोग मुझे ऑनेस्ट को बुलाते हैं। घर में सुलिन नासुमे से रिम के बारे में गप्पे मार रही होती है कि ऑनेस्टी से तो उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, उसका निकनेम पता है क्या है, गॉबलिन। उसी समय रिम भागकर वहां आ जाती है। नासुमे उससे बोलता है हाय गॉबलिन, बिल्कुल सही समय में आई हो। रिम उसे उठाकर बोलती है चलो मैं तुम्हारे बालों को ब्रश कर देती हूँ। नासुमे कहता है मुझे ब्रश नहीं करवाना, मुझे वो पसंद नहीं है। ए गॉबलिन अगर तुमने मेरे बालों को हाथ भी लगाया है तो मैं तुम्हें स्क्रैच कर दूंगा। सुलिन पूछती है क्या हुआ तो रिम बताती है कि तेहुआ लौट आया है और मेरे को नासुमे को लेकर उसके घर जाना है। फिर उसे याद आता है गॉबलिन नासुमे को मेरा निक नेम कैसे पता है। वो गुस्से में आकर उसके बाल उखाड़ देती है और सुलिन सोचती है लेकिन इसे पता कैसे चला। बाद में रिम नासुमे को पकड़कर उसके बालों को कॉम करने लगती है। नासुमे बोलता है मेरी कैट कीपर बनने के बारे में सोचा है, कन्वीनियंस स्टोर में तुम कितना ही कमा लेती होगी। रिम बोलती है मजाक कर रहे हो क्या, अगर वो बदमाश इंसान नहीं आया होता तो मैं कब का तुम्हें टाटा बाय बाय कर चुकी होती। नासुमे बोलता है ह्यूमंस कितने रूड होते हैं, कैट्स तो अपने ऑनर के लिए चूहे भी पकड़ सकते हैं और अपनी जान भी दे सकते हैं। रिम बोलती है तो तुम चाहते हो मैं अपनी जान दे दूं, मैंने तुम्हारे लिए कितना सब कुछ किया,
तुम्हारी वजह से ना केवल मेरा पेट बल्कि मेरा अकाउंट बैलेंस भी कम हो रहा है। तुम्हारा फेवर मैंने इंटरेस्ट समेत लौटा दिया है। नासुमे बोलता है, पैसों में क्या रखा हुआ है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम मुझ जैसे परफेक्ट और नॉवल क्रिएचर से मिली, मेरी कैट कीपर बन जाओ। रिम कहती है, बिल्कुल नहीं। नासुमे कहता है, कोई नहीं, भूल जाओ लूजर। रिम उस पर चिल्लाने लगती है और बाहर से सुलिन उसे सुनकर पागल समझती है। आगे रिम नासुमे को लेकर जाने लगती है तो वो सोचती है, क्या मुझे तेवा को इसके बारे में बताना चाहिए? नासुमे बोलता है, बिल्कुल मत बताना, उसे बहुत बुरा लगेगा ये जानकर कि मैंने कल के मिले हुए इंसान से बात करी। फिर वो बोलता है, अच्छा, आजकल पैट सीटर बहुत पॉपुलर जॉब है, सोच लो तेवा तुम्हें बहुत पैसे देगा। रिम उसे इग्नोर करती है कि कुछ स्कूल गर्ल्स नासुमे की तारीफ करने लगती है जिससे वो बहुत इतरा रहा होता है। जब वो लड़कियां उसका नाम पूछती है तो रिम कुछ नहीं बोलती, तो वो लड़कियां कहती हैं, कैट तो बहुत क्यूट है लेकिन इसका ऑनर बड़ा अजीब है। फिर वो तेवा की बताई हुई जगह पर आ जाती है। तेवा आकर नासुमे को बहुत प्यार करता है। जब रिम जाने लगती है तो तेवा उसे कॉफी के लिए रुक जाने को बोलता है। नासुमे भी बोलता है, अरे पहली बार आई हो तो हमारा घर तो देखते भी जाओ। रिम मान जाती है और वो एक लिफ्ट से जाने लगते हैं। तभी तेवा अपनी शर्ट निकालकर उसको अपनी तरफ खींचता है और रिम उसे पकड़कर किस करने लगती है। तभी एक आवाज़ आती है, दिन में सपने मत देखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तेवा उसे पूछता है, क्या हुआ? तो बोलती है, मैं तो स्ट्रेचिंग कर रही थी।